नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं पीएफ से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिसमें मैंने काफ़ी वीडियो जिससे पहले भी अपलोड किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा है, जिनमें मैंने कई वीडियोज बताए हैं, आपको कई जानकारियाँ दी हैं पीएफ से रिलेटेड ही। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि मुझे इससे पहले शायद उसके बारे में जानकारी खुद नहीं थी कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यदि आपका जो यूएएन नंबर है, उस एक यूएएन नंबर के साथ में आपके कई पीएफ अकाउंट लिंक हैं, जैसे कि आपने एक जगह पे काम किया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, इसी तरह से आपने दो तीन जगह काम किया या एक से अधिक जगह आपने काम किया और दोनों जगह पर आपका पीएफ का रुपया वहाँ पर कटा है और वो पीएफ आपका जमा है, लेकिन जो ईवीएन नंबर है वो आपका एक ही है और वहाँ पर जब आप विड्रॉल करने जाते हैं तो वहाँ पर जो लास्ट में आपने जहाँ पर काम किया है तो वो एक जगह का आपका पेमेंट वहाँ पर विड्रॉ हो जाता है, लेकिन इससे पहले का बचा हुआ जो पेमेंट है वो विड्रॉ नहीं होता है। तो आपको पूरा एक साथ में पेमेंट किस तरीके से इकट्ठा करना है और कैसे आपको चेक करना है कि कितने अभी तक आपने कितनी जगह पर काम किया है और कहाँ पर कितना कितना रुपया है और कितनी जगह के रुपयों को आपको इकट्ठा करके किस अकाउंट में, कौन सा आपका जो अकाउंट है वो प्राइमरी अकाउंट है, किस अकाउंट में आपको एक साथ इकट्ठा करके विड्रॉ करना है, तो ये पूरी डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। ओवरऑल आप सीधी एक लाइन में बात समझ लीजिए कि यदि आपका एक से अधिक पीएफ अकाउंट है तो सबका रुपया आप एक साथ में कैसे निकालेंगे, या दूसरी बात, दूसरे तरीके से इसको आप ये समझें कि अपने बहुत से पीएफ अकाउंट्स का जो रुपया है वो एक जगह पर आप कैसे इकट्ठा करें, तो इसके बारे में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ कि यदि आप इसी तरह की जानकारी आगे भी पाते रहना चाहते हैं और कल आप हमारे चैनल का एक नया वीडियो फिर से देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कर लीजिएगा, पड़ोस में बेल आइकन आएगा, दोनों को आप दबा लीजिए, जिससे कि कल जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल या लैपटॉप पर तुरंत ही मिल जाए। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आप पीएफ का जो अमाउंट है वो किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। पीएफ का अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए आपको सर्च बार में टाइप करना है ईपीएफओ और इसे आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद पहली जो वेबसाइट आ रही है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है epfindia.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज ओपन होकर किया जाएगा। इस आपको इस विंडो को कट करके सर्विसेज में आपको आना है, नीचे नंबर दो पे दिया गया है फॉर एम्प्लॉइज, तो फॉर एम्प्लॉइज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए, यहाँ पर नंबर दो पे जो लिखा है मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से नया पेज ओपन होकर किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे यहाँ पर दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, पहला है यूएएन नंबर का, दो बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं, पहला है यूएएन नंबर और दूसरा है पासवर्ड का। तीसरा जो है कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को आपको इस चेकबॉक्स में भर करके साइन इन पे क्लिक कर देना है, जो साइन इन लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस कैप्चा को भर देते हैं, जो कि हमारा कैप्चा भर चुका है, उसके बाद हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन पे क्लिक करने के बाद आपको इसे कट करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेटस दिखाता हूँ। मैंने इससे पहले एक अमाउंट विड्रॉ किया था, जो कि आप देखिए क्लेम सेटल्ड, यहाँ पर आप देखिए लिखा है क्लेम सेटल्ड, जो कि कल ही सेटल हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूरा अमाउंट सेटल नहीं किया गया है। इसको आप कैसे चेक कर पाएंगे, इसके लिए आप आएंगे व्यू में और यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्विस हिस्ट्री पर। सर्विस हिस्ट्री पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो किया जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पर काम किया है और कब से कब तक किया है। जैसे कि मैं एक लाइन आपको समझा देता हूँ, मेंबर आईडी, यहाँ पर कंपनी का नाम जहाँ पर आपने काम किया ये आईडी आपको मिल जाएगी, ज्वाइनिंग की डेट यहाँ पर आपको मिलेगी, ये ज्वाइनिंग की डेट है और ये छोड़ने की डेट है एक चिट की, जो कि आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, मतलब आप रिजाइन खुद से दे सकते हैं घर बैठे, इसके लिए आपको दौड़ भाग करने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो वीडियो मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने कितनी जगह पे कहाँ कहाँ पर आपने काम किया है। अब देखिए जो नंबर दो पे, या यूँ कहें कि जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ नाम है या जो सबसे लास्ट में काम की गई कंपनी है, वो आपकी प्राइमरी होगी। तो जो के इंटरप्राइजेस, ये जो है, या यूँ कहें कि हमारा जो मेंबर आईडी ये वाला है, इसी पर टोटल अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है। टोटल अमाउंट का मतलब है कि हमें जो ये इस आईडी के बैलेंस को इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो हमें क्या करना है, हमें इससे इसमें ट्रांसफ़र करना है बैलेंस। ओके, तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आप ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है कि आपका बैलेंस कहाँ पर कितना है। वो तरीका मैंने बता दिया है, उसके बारे में भी ज़्यादा यहाँ पर टाइम ख़राब नहीं करूँगा।
चलिए हम डायरेक्ट आपको बताते हैं बैलेंस किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए आप क्लिक करेंगे वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देखिए अटेस्टेशन थ्रू, तो ये आप क्लिक करना है प्रीवियस ईयर, ये जो बॉक्स दिया गया इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रीवियस ईयर और उसके बाद में गेट डिटेल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पिछले वर्ष या पिछला जो यहाँ पर वित्तीय वर्ष था उसमें कहाँ कहाँ काम किया, तो आपको इनमें से चुनना है। यदि हम इसको चुनेंगे नंबर दो को, तो आप देखेंगे कि ये जो नाम है ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। और अब हम इस दूसरे को भी यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, तो अब देखिए हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और इसको भी सेलेक्ट कर, इन दोनों को हम सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं गेट ओटीपी पर। जैसे ही हम ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, तो अब देखिए यहाँ पर ओके हो गया। अब हमारे नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया गया है जो कि हमारा रजिस्टर है इस पीएफ अकाउंट के साथ में, तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप ओटीपी को एंटर करके सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको शो कर दूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पर आप देखिए ये रहा, इसलिए देखिए यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो दी गई है और एग्जिट की डेट दी गई, डेट ऑफ बर्थ ये, तो अब उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर सबमिटेड टू प्रीवियस एम्प्लॉयर और नंबर दो भी प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो ये मैंने दोनों जगह का जो अमाउंट है जितना भी उसकी रिक्वेस्ट डाल दी है कि मेरा अमाउंट ये एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए। और जो प्राइमरी अकाउंट है जैसे मैंने भी आपको चेक करके बताया है, तो जो प्राइमरी अकाउंट है उसी पर ये टोटल अमाउंट यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। इस चीज़ की रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर दी गई है प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास और ये बहुत ज़्यादा टाइम में लगेगा, तो तीन से चार दिनों का, तीन से चार दिन के टाइम लगने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका सबमिट कर दिया जाएगा और जो भी अमाउंट आपका है वो सेटल हो जाएगा। और इस अमाउंट के सेटल होने के बाद आप आसानी से इसको विड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। तो आप हमारे अन्य वीडियो जो कि ऊपर आई बटन में आपको दो तीन लिंक मिल चुके हैं और जो भी लिंक मैंने दिए हैं आई बटन में उन वीडियोज़ को आप देख लीजिए, सभी वीडियोज़ हमारे पी एफ से रिलेटेड ही हैं। जैसे कि आप जब चेक करते हैं अपना बैलेंस, तो बैलेंस चेक करने में कई बार गलती कर देते हैं, आप सोचते हैं कि हमारा इतना ही बैलेंस है, क्योंकि आप जब कभी को ये मिस कॉल करके अपना बैलेंस चेक करते हैं तो वहाँ पर भी पूरा बैलेंस नहीं शो करता है। तो किस तरह से आप अपना पीएफ का पूरा अमाउंट चेक करेंगे वो वीडियो भी मैंने बनाया है, तो ये तमाम वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या ऊपर आई बटन में आपको वीडियोज़ के लिंक मिले उनको देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी मेरे पास जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा जिससे कि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।